सो फ्रेंड्स यार, आज हम बात करेंगे आरियो अर्निंग एप्लीकेशंस के बारे में। तो गाइस यार, पूरा डिटेल्स में जानकारी आपको यहां पे देने वाली इस एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट इस एप्लीकेशंस को आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से गाइस आप जैसे इसको डाउनलोड करोगे तो आपको यहां पे एप्लीकेशंस में साइन अप करने के लिए बोला जाता है। तो अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर सकते हो इजी तरीका से, अपने फ़ोन नंबर में नाम वगैरह सब चीज़ डाल करके आप इजी तरीके से साइन अप कर सकते हो। साइन अप का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी आसानी से कर सकता है। सबसे फर्स्ट गाइस यहाँ पे ओपन करने के बाद देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ पे गाइस हमें बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करके गाइस काफ़ी सारा अर्निंग कर सकते हैं। देख सकते हैं 400-500 रुपये अर्निंग कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। जहाँ से गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट करना है, स्टॉक माई स्टॉक का कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जो आपका फेवरेट है स्टॉक, वहाँ से आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप डीमैट अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग नहीं करना चाहते तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे गाइस। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह भी ले सकते हो, सेविंग अकाउंट वगैरह भी ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अपना मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह भी आसानी से आप यहाँ से कर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न के भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप लोगों से को रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप टीम क्रिएट करके भी अर्निंग कर सकते हैं, अपना टीम क्रिएट यहाँ से करना है। टीम क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से टीम क्रिएट करके भी अर्निंग कर सकते हो। लीडर्स का ऑप्शन मिलता है, लीडर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे लीड्स पे आपको आपका यहाँ पे सारा टीम मिल जाएगा, जहाँ पे आपने कितने लोगों को टीम बनाया। टीम बनाने के बाद गाइस यहाँ पे आप लीड्स कर सकते हो, साथ में मिल के काम करके अर्निंग की आशा कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपका सारा चीज़ शो होता है, आपका टोटल रिजल्ट बिल्डिंग अर्निंग, आपका टोटल अर्निंग सारा चीज़ यहाँ पे शो होता है। ऊपर आपका माई अर्निंग और ऑप्शन में शो हो जाता है सारा चीज़, यहाँ पे आपने कितना अर्निंग किया सब चीज़ यहाँ पे आपका शो होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा KYC आपको करना रहता है, बस कंप्लीट योर KYC पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देना है फुल नेम और यहाँ पे पैन कार्ड आपको देना पड़ता है गाइस। इधर पिन नंबर, अपना पिन नंबर देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, एजुकेशन आपने कहाँ तक कंप्लीट किया, एक सिग्नेचर छोटा सा यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आप स्क्रेच कर सकते हो सिग्नेचर, स्क्रेच करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको सेव सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर आप क्लियर करके दूसरा इस सिग्नेचर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो इस प्रकार से। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी फॉर्म है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और यहाँ से आपका जो भी KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अपने एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, 10th-12th पास, अपने जहाँ भी जितना भी ग्रेजुएट किया तो ग्रेजुएट यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सक्सेसफुल आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा।